राधे राधे एवरीवन। लड्डू गोपाल की सेवा तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण और कुछ समय के कारण नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ, जिससे आपको लड्डू गोपाल की सेवा का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा, कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपकी वह पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो चलिए बहुत ही आसान सी विधि में आपको लड्डू गोपाल की सेवा करना बताते हैं। कुछ लोग हैं जो जॉब करने जाते हैं या उनके घरों में बच्चे छोटे हैं, तो वो किस प्रकार अपने लड्डू गोपाल की घर में सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपने लड्डू गोपाल को सुलाते हैं या मंदिर में पर्दा लगाते हैं, ताली या घंटी बजाकर हम अपने प्यारे से छोटे से लाला को जगा लेंगे। आप कोई भजन गाकर लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की कई रूपों में पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल कहलाता है। तो बहुत ही प्यार के साथ और जगाने के बाद में जो भी आप पूजा की तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर लेंगे। तो पूजा की जो प्लेट होती है वो तैयार कर लें, लड्डू गोपाल का भोग तैयार कर लें। तो देखिए सुबह इतनी जल्दी मॉर्निंग में खाना नहीं बन पाता है, तो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, ड्राई फ्रूट्स हैं, बिस्किट हैं, उनका हम दूध के साथ में भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल को एक बर्तन में बिठाएंगे, तुलसी दल रख कर उनको सादा जल से स्नान करा देंगे। तो देखिए जो ताज़ा जल आपके नल में आता है आप उससे लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और स्नान कराने के बाद में एक साफ से, स्वच्छ से, सॉफ्ट से कपड़े से हम उनको पोंछ देंगे। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का नाम है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा और गोकुलवासी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। अगर आपने भी अपने घर पर भगवान कृष्ण यानी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल स्थापित कर रखे हैं, तो उनका कोई ना कोई एक प्यारा सा नाम जरूर रखिएगा, जिसे आप उनको कहकर बुला सकें, पुकार सकें। तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और पोंछने के बाद में इनको वस्त्र धारण कराएंगे और सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। जिस जल से हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है उस जल को हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कहीं भी पौधों में डाल देंगे। उसके बाद में सर्दियां हैं तो अपने लड्डू गोपाल को वूलन की ड्रेस पहनाएंगे, यानी गर्म वस्त्र पहनाएंगे। हमें कॉटन वाले वस्त्र नहीं पहनाने हैं सर्दियों में, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आप चाहे कितनी भी सरल सेवा करें, लेकिन सर्दियों में आपको वूलन की ड्रेस ही पहनानी है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की वूलन की ड्रेस नहीं है, तो आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे वस्त्र लड्डू गोपाल के मिल जाते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग वस्त्र खरीद कर लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर तिल के तेल का दीपक जला लिया है और धूप बत्ती जला लेंगे। लड्डू गोपाल को रोजाना सुबह स्नान कराना चाहिए। बता दूं कि लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार गर्म या ठंडे जल से या सादा जल से स्नान कराया जाता है, और मौसम के अनुसार ही लड्डू गोपाल को गर्म अथवा ठंडे वस्त्र पहनाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को रोजाना पूजा अर्चना करने के बाद में सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। तो जो भी आपके पास भोग में है सुबह, वो भोग लगा सकते हैं। दूध के साथ में आप मेवे ले सकते हैं, और भोग लगाते समय आप ताली या घंटी का प्रयोग जरूर कीजिएगा, साथ में तुलसी दल रखना ना भूलिएगा। तो जो भी भोग लगाया है उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा, और लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगा देंगे, और उसके बाद में हम आरती करेंगे, भोग निवेदन कर देंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है। और जो लोग जॉब करने जाते हैं उनको क्या करना है, सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद में लड्डू गोपाल के पास कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर रख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको लड्डू गोपाल की सेवा करना बता रही हूँ। और जो लोग मन में सोचते हैं कि हम सेवा नहीं कर पाते हैं, जॉब करते हैं, तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो आपको उसका पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। तो देखिए कोई भी आप टिफ़िन ले लीजिए, आप उसमें लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर रख कर जाइएगा। तो देखिए सर्दियों का सीज़न है तो आप गजक ले सकते हैं, बिस्किट, रेवड़ी और बहुत सारी चीज़ें आजकल आप चाहें तो एक साथ बनाकर रख सकते हैं, इन दिनों में ख़राब भी नहीं होती है। नमक पारे, मठरी बनाकर रख सकते हैं 30 दिन के इकट्ठे, और लड्डू के लिए लड्डू को लड्डू बनाकर रख सकते हैं एक टिफ़िन में किसी में, जिससे लड्डू गोपाल को हर रोज़ आप एक लड्डू टिफ़िन में रख कर जा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नमकीन ले ली है, कुछ बादाम ले लिए हैं,
और गजक ले ली है साथ में लड्डू गोपाल को भोग में रखने के लिए। जैसे हम अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं दिन में तो लड्डू गोपाल के पास कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर रख कर जाएं, जिससे लड्डू गोपाल को भूख लगे तो वो ग्रहण कर सके, जल रख करके जाएं और जाते समय अपने लड्डू गोपाल को बोल कर जाएं कि मैंने आपके पास ये भोजन रख दिया है, आपको भूख लगे तब इसको ग्रहण कर लेना और जब मैं शाम को आऊँगी तो कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इस तरह से देखिए, शाम को जब आप आएँ तो अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले करके आएँ और जाने से पहले उनको बोल कर जाएं कि मैं अब जा रही हूँ, आते समय कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आऊँगी। और आएं तब आप लड्डू गोपाल को धन्यवाद बोलें कि घर आ गए हैं और उनके लिए जो भी चीज़ लेकर के आए हैं हाथ पांव मुंह धो करके उनको समर्पित करें। देखिए, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ रख रहे हैं लड्डू गोपाल के पास जो ख़राब होने वाली है, जैसे आप चाहें तो अगर आपको चूहों का डर है या ऐसा लगता है कि बिस्किट सील जाएंगे, तो आप ऐसा करिएगा, दो बिस्किट आप सिर्फ ओपन करके रख के जा सकते हैं, बाकी का आप टिफ़िन में रख के जा सकते हैं, या आप इस तरीके से पैकेट रख करके जा सकते हैं लड्डू गोपाल के पास में। और बाकी के जैसे फ्रूट हैं जो ख़राब हो जाते हैं कटने के बाद में, आप उनको साबुत रख के जा सकते हैं, पर उनके ऊपर तुलसी दल जरूर रखिएगा। आप इस तरीके से भोग रख कर जाइएगा लड्डू गोपाल के लिए और शाम के समय जब भी आप आएंगे उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आएँ और शाम के समय फिर से आपको कुछ ना कुछ भोग ज़रूर लगाना है और दूध का भोग रात्रि के समय उनको सुलाने से पहले लगाना है। उसके बाद में लड्डू गोपाल को शयन करा दीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को लड्डू गोपाल की सरल पूजा विधि पसंद आएगी और इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।